अस्सलाम वालेकुम तौला बरकातु गाइस, उम्मीद करता हूँ तो खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस आज का जो वैकेंसी लेके आया हूँ ये बहुत ज़बरदस्त वैकेंसी होने वाला है। ये ओमान का है, ठीक है। तो इसके अंदर फ्रेश बंदे अप्लाई कर सकते हैं, पासपोर्ट ACR वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद में इसमें जो है किचन हेल्पर का ही रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इसमें किचन हेल्पर चाहिए और किचन हेल्पर का काम बहुत अच्छा होता है। किचन हेल्पर ज़्यादातर जो है ना, मतलब वहाँ जाने के बाद में कुक के साथ में काम वाम करते हैं तो धीरे धीरे वो कारीगर हो जाते हैं और फिर उनका सैलरी भी बढ़ जाता है। किचन हेल्पर और हेल्पर चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में बात करेंगे कि सैलरी क्या होगा, ड्यूटी कितना रहेगा और कहाँ आके मिलना है, डॉक्यूमेंट कहाँ सेंड करना है, ये सारा डिटेल मैन डिटेल ही होता है। जॉब देख लेना, वैकेंसी चेक कर लेना, बड़ी बात नहीं होता है। आप उसको पहले पढ़ो, पूरी समझो, पूरा डिटेल, और उसके बाद में डॉक्यूमेंट कहाँ भेजें अप्लाई करने के लिए कि हमारा डॉक्यूमेंट प्रोसेस जल्दी हो जाए, ठीक है। ये सारा चीज़ें तो हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, पूरी डिटेल को अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद में फिर आप अपना डॉक्यूमेंट रेडी करके जैसा बोलूँगा वो हिसाब से अपना डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड करिए। मेल के लिए जो ईमेल आईडी हम यहाँ पे देंगे और जैसा बोलूँगा उस हिसाब से, और जो बोलूँगा वो हिसाब से आपको मेल करना है। आपका मेल आते ही आपको फिर कॉन्टैक्ट कर लिया जाएगा। डायरेक्टली मेडिकल करना है, कोई सिलेक्शन वलेक्शन नहीं है, CBA सिलेक्शन है, डायरेक्ट मेडिकल होगा और भी जा जाएगा। कोई भी पेमेंट आपको एडवांस नहीं देना है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से ये कहना चाहूँगा, अगर आप तक अभी हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन करे हैं तो टेलीग्राम चैनल का यहाँ पे लिंक दे दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन करने से आपको ये फायदा होगा कि जो भी नया वैकेंसी आएगा आपको वहाँ पर अपडेट मिलता रहेगा, ठीक है। कुछ वैकेंसी ऐसा होता है जो छूट जाता है, मैं यूट्यूब पर नहीं डाल पाता हूँ, वो आपको टेलीग्राम पर कोई भी मिस नहीं होगा। जो जितना भी नया नया जॉब आएगा गल्फ का, वो आपको सारा चीज़ डिटेल या टेलीग्राम पे आपको मिलता रहेगा। तो आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए। यूट्यूब का जो कम्युनिटी वाला पेज है, आप जब टाइम मिले तो आप कम्युनिटी वाला पेज भी विजिट करिए, क्योंकि जो भी होता है वैकेंसी में वहाँ पे भी अपडेट करता हूँ, ठीक है। तो वीडियो कर लेते हैं भाई स्टार्ट। ओमान के अंदर एक रेस्टोरेंट है, ठीक है, फूड रेस्टोरेंट है, और उसको किचन हेल्पर का रिक्वायरमेंट है। किचन हेल्पर चाहिए उसको, 400 बंदा चाहिए 400, और पासपोर्ट जो है ACR भी चलेगा और ACRR भी चलेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि ACR चलेगा, PCC का तो इसके अंदर रिक्वायरमेंट है ही नहीं। बहुत से बंदे का मैं देख रहा हूँ सऊदी के अंदर PCC के बगैर उनका मेडिकल एक्सपायर हो रहा है, ये हो रहा है। तो लोग से मैं कहना चाहूँगा कि आपको बाहर जा रहे हो तो आपको जॉब सही हो, काम अच्छा हो, सैलरी बढ़िया हो, तो आप कहीं पर भी जा सकते हैं, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सऊदी कुवैत ही जाना है जहाँ PCC चलता है। बाहर विदेश जाता है आदमी पैसे कमाने के लिए, दो पैसे मिलता है, काम कंपनी अच्छी है, तो आप कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है। हमारे हिसाब से अगर आप लोग सऊदी में मेडिकल किए हुए हो या सऊदी के लिए PCC अप्लाई करे हुए हो, वेट कर रहे हो, तो आप लोग इसमें ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई भी सिलेक्शन वाला सिस्टम नहीं है। आप डॉक्यूमेंट भेजोगे, डॉक्यूमेंट जैसा था मैं बोलूँगा उस हिसाब से अगर ओके है तो जो भी सर्विस चार्ज खर्चा जो लगेगा जाने के लिए वो मैं आपको बता दूंगा। अगर आप ओके हैं तो ऑनलाइन मेडिकल है, आप कहीं से भी ऑनलाइन मेडिकल करा के ऑफिस का एड्रेस दे दीजिएगा, अपना डॉक्यूमेंट ला के ऑफिस पर जमा कर सकते हैं। कोई भी एडवांस पेमेंट नहीं चाहिए। आपका डॉक्यूमेंट आने के बाद में फिर जैसा होगा आपको वीजा अप्लाई हो जाएगा, वीजा कॉपी देने के बाद ही आपको पेमेंट करना है, फिर टिकट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर और कोई चीज़ जानकारी चाहिए तो आपको जो फ़ोन आएगा तो आप वो चीज़ पूछ सकते हैं। तो ये किचन हेल्पर चाहिए, इसको सैलरी जिसका है 90 ओमानी रियाल प्लस खाना भी है, जो 90 ओमानी रियाल सैलरी मिलेगा बेसिक, उसमें ये नहीं है कि आपको उसी में खाना है, यानी खाना कंपनी अलग से देगी, ठीक है। और उसके बाद में इसके अंदर जो ड्यूटी है वो 10 घंटे का है, 1 घंटा लंच निकाल के 9 घंटा डेली ड्यूटी करना है, प्लस 2 से 3 घंटा ओवर टाइम है। आपको रहने के लिए रूम, इकामा, मेडिकल कार्ड, इंश्योरेंस, ये जितना भी फैसिलिटी होती है सब आपको कंपनी देगी, ठीक है, आपका कोई भी करना नहीं है। और उसके बाद में इसके अंदर जो आपका पासपोर्ट के हिसाब से जो उम्र है 21 कंप्लीट होना चाहिए और 35 के अंदर होना चाहिए, यानी 21 के और 35 के बीच पासपोर्ट होना चाहिए उम्र आपका, ठीक है। अगर आप ये सारा चीज़ ओके हैं तो आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। PCC का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ। इस जॉब को अप्लाई करने के लिए आपका पासपोर्ट, फर्स्ट क्लास पेज पासपोर्ट साइज का फोटो, वैक्सीन का रिपोर्ट, ठीक है, और कॉन्टैक्ट नंबर, बस इतनी की जरूरत है। CV रिज्यूम बाय डाटा की जरूरत नहीं है, बस ये है कि डॉक्यूमेंट आपका व्हाट्सअप मतलब मोबाइल से फोटो ना खींचा हुआ हो, कोई कंप्यूटर दुकान पे जाके वहाँ से अच्छे से स्कैन करा लो। स्कैन करके यहाँ पे जो दिया गया है ईमेल आईडी, ये gulfvacancy@gulfvacancy.net, आपको इस पर ही मेल करना है। आप इस ईमेल आईडी को स्क्रीन शॉट ले लीजिए और अपना पासपोर्ट, पासपोर्ट साइज फोटो, वैक्सीन का रिपोर्ट, कोई भी अपना बाजार में जाके कंप्यूटर वाला जो दुकान होता है उस दुकान पर जाने के बाद में आप वहाँ से डायरेक्ट मेल करिए, स्कैन कराइए और मेल करिए कर दीजिए।
और अगर वहां से मेल नहीं कर सकते हो तो स्कैन करा के अपने फोन के अंदर डाल लो, और फोन के अंदर डालने के बाद में आप मेल कर सकते हैं। लेकिन आपको याद रखना है, मेल करना है तो सब्जेक्ट में अपना नाम किचन हेल्पर अप्लाई फॉर ओमान इतना लिखना ना भूले कि हम आपका डॉक्यूमेंट देखें, तो हमको ये चीज क्लियर हो जाए कि आपका डॉक्यूमेंट किस कंपनी में और किस काम के लिए लगाना है, ठीक है। और कॉन्टैक्ट नंबर मेल में छोड़ देना, क्योंकि कॉन्टैक्ट नंबर अपन नहीं डालोगे सारा चीज ओके रहेगा तो हम कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आप कॉन्टैक्ट नंबर जरूर डालिए और इस हिसाब से सब बोलोगे सब, तो आप डॉक्यूमेंट करके मेल करिए और आपको हम कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है। बाकी का जो भी और कुछ पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो प्लीज फॉलो कर लीजिए नया नया वेक जॉब का अपडेट पाने के लिए। यूट्यूब पर अगर सब्सक्राइब करके देख रहे हो तो प्लीज लाल बटन को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा लाइक करना, इस वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। बाकी अपना ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट जॉब के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।